पढ़ रहे थे स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, हमने फर्स्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया है, जिसे हम कहते हैं प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, ये क्या है? ये है प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जिसे हम डेमोनोलॉजी भी कह रहे थे। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट था गॉड डेमन का, सो इसी के बीच ही ये सारी की सारी क्रिमिनोलॉजी चल रही थी। इसके बाद हम आएंगे द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। दिस इज द सेकेंड स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी नोन एज क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में क्या हुआ? ये तो प्री क्लासिकल स्कूल है, डेमोनोलॉजिकल स्कूल। नाउ द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हम गॉड और डेविल से थोड़ा सा ऊपर उठे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ी। और इसमें जो थिंकर्स थे, द थिंकर्स ऑफ 18th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी चल रही थी? 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप करे क्रिमिनोलॉजी के लिए, जैसे कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, देयर वर सीवियर पनिशमेंट्स लाइक ऑर्गन्स म्यूटिलेट करना, या फिर कैपिटल पनिशमेंट, हाथ पैर काट देना, गरम तेल में तल देना, गरम पानी में डाल देना, इस तरीके के बहुत ही ज्यादा सीवियर और सीरियस टाइप के पनिशमेंट दिए जा रहे थे। इससे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ पनिशमेंट देने का सिस्टम। ठीक है, अदर्स इन्वॉल्विंग द इंटेंट ऑफ हर्टिंग द रॉन्ग डूअर बॉडीली वेयर सेट टू बी हार्श एंड डोंट रिड्यूस द रेट ऑफ क्राइम। अब इससे क्या हो रहा था? जो रॉन्ग डूअर है, मतलब जो क्रिमिनल है, उसको हम बॉडीली हार्म पहुंचा रहे थे, मतलब उसके बॉडी में हार्म हम इन्फ्लिक्ट कर रहे थे, लेकिन इससे भी क्राइम होना कम नहीं हो रहे थे, है ना? तो इस वजह से हमने अप्रोच को चेंज करा था क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। एज द क्राइम वेयर कंसिडर्ड एज सिन, सो हम पहले की बात करें, भी पहले क्राइम को एज अ सिन कंसिडर करा जाता था, एंड दे आर सेट टू बी एक्ट ऑफ डीमन। और हम क्या कहते थे? ये किसका एक्ट है? ये जो कोई भी क्राइम, जिसे हम क्राइम कहते हैं, उससे पहले हम सिन कहते थे प्री क्लासिकल स्कूल में, और ये कहते थे कि कोई ना कोई बुरी शक्ति, कोई डीमन, कोई डेविल ये उस पर्सन से करा रहा है। ठीक है, एंड डेविल्स एंड दे ओके डीमन एंड डेविल्स एंड दे वर नोन एज द डेमोनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनलिटी। ये है प्री क्लासिकल स्कूल की बात। नाउ द थिंकर्स ऑफ स्कूल इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ बॉडीली पनिशमेंट टू पनिशमेंट फॉर द सोल बाय डिटरिंग द रॉन्ग डूअर इन प्रिजन। अब इन्होंने क्या सोचा द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में, कि रॉन्ग डूअर क्रिमिनल के बॉडी को हार्म करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मन पे इफेक्ट हो, उसके उसके दिमाग को हार्म किया जाए, उसकी सोल को हार्म किया जाए। और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? उनको प्रिजन में डाल रहे हैं, हम उनको जेलों में रखने लग गए। दिस स्कूल इज डेवलप्ड बाय टू नोटेबल थिंकर्स, दे आर सेसर बकारिया एंड जेरेमी बैंथम। ये दो इंपॉर्टेंट बंदे थे इस टाइम के, जिन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। इसमें क्या अप्रोच थी? कि हम उनको बॉडी से तकलीफ नहीं देंगे, हम उनके माइंड को चेंज करेंगे। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते कि जिसने क्राइम करा उसको बिल्कुल मार डालें, हम ये चाहते हैं कि वो सुधर जाए। ठीक है, उसका करेक्शन हो सके, उसका दिमाग सही हो सके, तो ये बाद में अप्रोच रही थी। नाउ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पर्सन आते हैं वो तो सीज़र बकारिया, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्रिमिनोलॉजी के बच्चों को ऑलरेडी ये पता होगा कि जो फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी है वो है सीज़र बकारिया। नाउ दिस पर्सन इज अ रियली इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जिन्होंने पनिशमेंट सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करी यूरोप के। ठीक है, इन्होंने बोला कि पनिशमेंट सिस्टम चेंज होना चाहिए, लोगों के हाथ पैर मत काटो, उनको गर्म तेल में ना तलो, है ना, उनको डिफरेंटली आपको क्या करना है, पनिश करना है। नाउ बकारियाज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू द क्रिमिनल लॉ ऑफ यूरोप, एंड इन 18th सेंचुरी बकारिया व्यू ऑफ पनिशमेंट वॉज प्रिवेंटिव। इनका किस तरीके का व्यू था पनिशमेंट देने का? प्रिवेंटिव। एंड उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एंड उस बुक में उन्होंने बोला था कि हमें इस तरीके से डिटरमाइन करना है पनिशमेंट को, जिससे कि हम क्या कर सके, हम उस पर्सन को पनिशमेंट भी दें और उसका करेक्शन भी हो, और दूसरों को ये समझ में भी आ जाए कि दिस इज नॉट अ राइट एक्ट टू डू। नाउ द अटैक ऑन द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। अच्छा, जो सीज़र बकारिया थे, उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉर्म्यूलेट करने के लिए भी कहा, इन्होंने एक बुक भी लिखी जो कि क्राइम और पनिशमेंट के ऊपर थी। इन्होंने ये बोला कि हमें पनिशमेंट चेंज करनी चाहिए, पनिशमेंट देने का तरीका चेंज करना चाहिए, ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए जिससे कि उसका मेंटल सुधार हो, मेंटल डेवलपमेंट हो। ठीक है, सो इन्होंने एक और चीज भी बोली थी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन। तो पहले यही माना जाता था कि हद से ज्यादा पेन इन्फ्लिक्ट करके एक तो उसको भी तकलीफ दो जिसने क्राइम करा है, और दूसरों को भी ये दिखाओ कि
ठीक है, पहले जब किसी को सजा मिलती थी तो चौक चौराहे पे मिला करती थी ताकि जो दूसरे और लोग हैं वो देख के डर जाए और वो किसी भी तरीके का क्राइम ना करें। जो सजा बकाया था उन्होंने पेन एंड प्लेजर की थ्योरी भी दी थी, अगर आप प्लेजर की लाइफ में रह रहे हो तो आपको कोई क्राइम नहीं करना, बट अगर आप चूज करते हो अपना पेनफुल लाइफ तब आप क्राइम कर सकते हो, ये उनका मानना था। तीन इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी थी सजा बकाया की। पहली क्या थी, एवरी इंडिविजुअल हैव फ्री विल, इट हैज द पर्सन हैज फ्री विल इन डूइंग एन एक्ट एंड शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। तो इनका कहना ये था कि हर एक बंदा अपनी खुद की मर्जी से, अपनी खुद की फ्री विल से कोई भी काम करता है। अगर मैं कोई क्राइम कर रही हूँ तो वो मेरा फ्री विल है, वो मेरी चॉइस थी, इस वजह से मैंने क्राइम करा। दूसरा क्या था, एवरी इंडिविजुअल एक्ट रेशनली फॉर हिज वॉन्ट्स एंड गुड्स, दस लॉ शुड बी प्रोटेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल। सो ये जो लॉ है हमारा वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन देने के लिए होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज प्रिडिक्टेबल। इनका मानना ये था कि हर एक पर्सन के जो बिहेवियर है, हर एक पर्सन का जो एक्ट है वो प्रिडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से हम उनके एक्ट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं क्योंकि प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। उनका मानना तो यही था ना कि वी कैन प्रिडिक्ट दी एक्शन ऑफ एनी पर्सन। तो जब हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला क्राइम करने वाला है तो हम उसको वहीं पे ही प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको जैसे बताया कि उन्होंने एक और थ्योरी दी थी प्लेजर एंड पेन की, जिसमें यही बोला था कि अगर आपको अपनी लाइफ पे प्लेजर चाहिए तो आप कोई भी क्राइम नहीं करोगे, बट अगर आपको पेन चाहिए तो आप क्राइम करोगे, राइट। एंड इसके अलावा इन्होंने पनिशमेंट पे भी खास फोकस करा था, इफ इक्वल पनिशमेंट। इन्होंने ये बोला पहले क्या होता था कि अगर कोई पर्सन जिसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चलती है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करता है, किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर उनमें कोई क्राइम करे तो उनको पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा लीनियंट मिलती थी या पनिशमेंट नहीं ही मिलती थी। तो इन्होंने ये बोला या तो आप यूनिवर्सल पनिशमेंट का सिस्टम हटा दो, ठीक है। पहले क्या होता था कि किसी एक क्राइम के लिए यूनिवर्सल पनिशमेंट मिलती थी, सबको सीवियर पनिशमेंट मिलती थी, बट अगर जो पर्सन क्राइम कर रहा है वो किसी भी प्रेस्टीजियस फैमिली या रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहा है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इनका यही कहना था कि आपके इस सिस्टम को चेंज होना पड़ेगा, सबके लिए इक्वल पनिशमेंट होनी चाहिए, एक क्राइम के लिए एक पनिशमेंट होनी चाहिए और हर एक इंडिविजुअल के लिए वही पनिशमेंट फॉलो करी जानी चाहिए, ठीक है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए किसी भी पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को एक तरीके का ही पनिशमेंट देना चाहिए। फिर आते हैं जेरेमी बेंथम, जो कि इस द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के दूसरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे, कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे और इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा था लॉ और पनिशमेंट में ही। ये जो जेरेमी बेंथम थे वो सजा बकारिया के जो थिंकिंग थी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे, प्लेजर और पेन की थ्योरी को भी सपोर्ट करते थे, और ये जो तीन उनकी थ्योरीज थी उन सभी को सपोर्ट करते थे। इन्होंने भी ये बोला, ही मेड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सिमिलर टाइम पीरियड एंड दे वेयर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ यूरोप, एंड उसको ही चेंज करने की ये कोशिश कर रहे थे। नाउ जेरेमी बेंथम प्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म विच वॉज एक्सप्रेस्ड एज इरिटेशनल सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट बट बाय अ वेरीफाइएबल प्रिंसिपल। सो इनका यही था कि जो भी सिस्टम है इरिटेशनल सिस्टम है, हमको एक तरीके का ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि वेरीफाइएबल हो। द प्रिंसिपल वॉज दैट ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड सिंपली द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। तो ये इनका एक थ्योरी था जिसमें ये मानना था कि अगर कोई भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा ग्रेटली हैप्पी है, तो उसका जो नंबर होगा वो बहुत ही ग्रेटेस्ट होगा। इसके अलावा इन्होंने फोर सैंक्शंस ऑफ सोर्स ऑफ पेन भी बताए थे। इसके अलावा इन्होंने ये बोला था कि जो भी पनिशमेंट है वो हमें कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए, बिना कैलकुलेशन की नेसेसरी पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये इनका मानना था। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। इन आज की क्लास में हम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम थर्ड स्कूल पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस दो वीडियोस में प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ऑलरेडी पढ़ लिया है, द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ऑलरेडी पढ़ लिया है, एंड आज के लेक्चर में हम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये हमारी थर्ड स्कूल है। ये सारी की सारी जो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे कैसे क्रिमिनोलॉजी इवॉल्व हुआ है। हमने दो स्कूल्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं ना। इस स्कूल में ये बताया गया कि हर एक क्राइम, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, मर्डर के लिए अगर 20 साल सजा होनी है तो हर एक पर्सन को मर्डर के लिए 20 साल की सजा होगी,
है ना। सो पहले न्यू क्लासिकल स्कूल वालों ने क्या देखा, ये देखा कि भाई एक क्राइम के लिए हर एक इंडिविजुअल को सेम सजा मिल रही है ना, जबकि इन डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने अलग अलग सर्कमस्टांसेस में ये क्राइम कमिट करे हैं। बेसिकली इनका कहना ये था कि उन लोगों को क्या जो कि इडियट है, उन लोगों का क्या जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, उन लोगों का क्या जिनको कोई मानसिक बीमारी या कोई मेंटल डिसऑर्डर है, अगर वो क्राइम कर रहे हैं तो इनको दूसरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन या जो कि मेंटली हेल्थी है, फिजिकली हेल्दी है, उसको सारी चीज़ों का ज्ञान है। सो न्यू क्लासिकल स्कूल वालों का कहना यह था कि जो मेंटली अनस्टेबल है उनको लीनियंट पनिशमेंट मिले, उनको कम पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि वो ये अंडरस्टैंड करने के कैपेबल नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सो ऐसे ही मेंटली अनस्टेबल लोगों के लिए जो कि साइकोपैथ्स हैं, उनके लिए जो कि अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते सही गलत में, उनको कम सजा मिलनी चाहिए उन लोगों से जो कि अपने पूरे मेंटली साउंड है, पूरे होशो हवाश में जो क्राइम कर रहे हैं उनको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। सो नाउ द फ्री विल थ्योरी ऑफ क्लासिकल स्कूल डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। बहुत टाइम तक ये क्लासिकल स्कूल की जो फ्री विल थ्योरी थी, क्लासिकल स्कूल यही वाली स्कूल है ना, क्लासिकल स्कूल ने फ्री विल थ्योरी दी थी जो कि न्यू क्लासिकल स्कूल आते आते तक ज्यादा दिन चली नहीं। इट वॉज सून रियलाइज दैट द एक्सपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल स्कूल failed in the approach to ignoring the individual differences under certain situations and circumstances, treating first offenders and the habitual offenders alike. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हमने नोटिस करी, क्या नोटिस करी कि इन्होंने इसे भी डिफरेंशिएट किया कि वो लोग जो बार बार क्राइम करते हैं, एक बार क्राइम करेंगे जेल जाएंगे, फिर बाहर आएंगे फिर क्राइम करेंगे फिर जेल जाएंगे, फिर बाहर आएंगे फिर क्राइम करेंगे फिर जेल जाएंगे, तो वो बार बार लगातार क्राइम्स करते रहते हैं, वो सेम क्राइम करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स करेंगे बट वो क्राइम जरूर करते हैं, तो वो कैसे ऑफेंडर्स हुए, कैसे क्रिमिनल्स हुए, वो रिपीटेटिव ऑफेंडर्स हो गए, जिन्हें हम कहते हैं रेसिडिविस्ट, जिन्हें हम कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उनकी हैबिट ही बन चुकी है, उनका अब ये धंधा ही बन चुका है कि उनको क्राइम ही करना है। एंड वो लोग जिन्होंने सबसे पहली बार ऑफेंस करा है, एक कोई ऐसा पर्सन जिसने एक बार ही क्राइम करा, उसके बाद उसने कभी क्राइम नहीं करा और वो क्राइम भी उसने गलती से कर दिया या फिर गुस्से में कर दिया जिसका उसे रियलाइजेशन है, तो इन दोनों में ही भी डिफरेंस होना चाहिए, है ना, कि वो बंदा जिसने एक बार ही क्राइम करा है और वो बंदा जिस जो बार बार क्राइम करता है, जेल जाने के बाद जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है या जेल जाने के बाद जिसको अपनी गलती का एहसास है और वो बिल्कुल प्रॉपरली बिहेव कर रहा है, सारे रूल्स को मान रहा है, पश्चाताप कर रहा है, सो इस तरीके से इनमें भी डिफरेंस होना चाहिए। तो ये भी न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ने ही नोटिस किया। द न्यू क्लासिस्ट asserted that the certain categories of offenders such as minors जो कि एज में कम है, idiots जो कि बिल्कुल ही क्या बोलना चाहिए, idiot हम मस्ती मजाक में किसी को भी idiot बोल देते हैं, but idiots are those जिनका IQ level बहुत कम होता है, उनको सोच समझने की शक्ति थोड़ी कम होती है, ठीक है, insane जो कि mentally stable नहीं है, incompetent had to be treated leniently in matter of punishment irrespective of similarity of criminal act because these persons were incapable of appreciating the difference between right and wrong. तो वो सारे लोग जो minors है, आपको ये पता होगा कि जो minors होते हैं उनको lenient punishment मिलती है या फिर उनको बहुत ना के बराबर punishment मिलती है, उनके क्या होता है rehabilitation होता है या rehabilitation center में उनकी काउंसलिंग कराई जाती है एंड यही ही उनकी सजा होती है। तो अगर कोई भी पर्सन 18 ईयर्स से बिलो है या जो भी टीन एज में ऑफेंडर्स, जो टीन एज में ऑफेंसेस करते हैं, जो टीन एज ऑफेंडर्स हैं, उनको लीनियंट पनिशमेंट मिलती है। तो अभी ऐसा होता है पर पहले ऐसा नहीं होता था, चाहे कोई भी क्राइम करे कोई भी पर्सन करे सेम पनिशमेंट होती थी, बट न्यू क्लासिकल स्कूल में हमने ये समझा कि जैसे कि माइनर्स हो गए इनको लाइक लीनियंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इडियट्स हो गए इनको लीनियंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मेंटली अनस्टेबल लोगों को लीनियंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और इन लोगों को भी डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो कि रिपीटेडली पनिशमेंट, जो कि रिपीटेडली क्राइम करते हो, जो कि एक बार जिन्होंने क्राइम करा है। टेंडेंसी ऑफ न्यू क्लासेस टू डिस्टिंग्विश क्रिमिनल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल डिप्रेविटी वॉज इंडीड अ प्रोग्रेसिव स्टेप। ऑफकोर्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव स्टेप था नियो क्लासिकल स्कूल में। अब हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि नियो क्लासिकल स्कूल में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें एडेड हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, द नियो क्लासिस्ट अप्रोच द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी ऑन साइंटिफिक लाइंस बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्टन सिचुएशंस और मेंटल डिसऑर्डर्स डिप्राइव अ पर्सन
डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज नॉर्मल कैपेसिटी टू कंट्रोल हिज कंडक्ट. सो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने एक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. दस दे जस्टिफाई मिटिगेशन ऑफ इक्वल पनिशमेंट इन केस ऑफ सर्टन साइकोपैथिक ऑफेंडर्स. कमेंटिंग ऑन दिस पॉइंट प्रोफेसर गिलन ऑब्जर्व दैट द नियो क्लासिस्ट रिप्रेजेंट अ रिएक्शन अगेंस्ट द सिवियरिटी ऑफ क्लासिकल व्यू ऑफ इक्वल पनिशमेंट ऑफ द सेम ऑफेंस. अब यहाँ पे हमें यही ही फोकस करना है कि वो सारे लोग जिनको अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं है, जिनको सिचुएशन का अंदाजा नहीं है, जिनको सिवियरिटी का पता नहीं है, उनको डिफरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए. जो प्रोफेसर गिलिन थे उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो नियो क्लासिस्ट हैं वो क्लासिकल थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने उसके अपोजिट एक थ्योरी बताई है जो कि डिफ्रेंशिएट करने की है. Now, new classes were the first people who distinguished between first offenders and the recidivist. Recidivist वही होते हैं जो बार-बार crimes करते हैं, जो repeatedly crimes करते हैं. They supported individualization of offenders and treatment methods which required the punishment to suit the साइकोपैथिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द अक्यूज्ड. अगर वो पर्सन साइकोपैथिक है, जो साइकोपैथ्स होते हैं वो किसी भी तरीके की फीलिंग नहीं समझ पाते, है ना. सो इसी वजह से उनको भी डिफरेंटली ट्रीट करना जरूरी है, इंडिविजुअलाइजेशन करना जरूरी है कि जिस पर्सन ने जिस सर्कमस्टांसेस में क्राइम करा है, जिस भी रीजन की वजह से क्राइम करा है. और हमें इस टाइम पे ये भी समझ में आ गया था कि हर एक क्राइम के पीछे कोई ना कोई कॉज जरूर होता है, कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, किसी न किसी कारण की वजह से ही क्राइम्स होते हैं, राइट. नाउ द क्रिमिनल एक्ट स्टिल रिमेन्ड टू सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर एडजस्टिंग क्रिमिनलिटी विदाउट एनी रिगार्ड टू इंटेंट. बट द न्यू क्लासेस फोकस एट लीस्ट सम अटेंशन ऑन मेंटल कॉजेशन एंड इन मेंटल कॉजेशन इनडायरेक्टली. अब न्यू क्लासेस जो थे, न्यू क्लासिकल स्कूल के जो मेम्बर्स थे जिन्होंने इस थ्योरी को फॉलो करा या जिस थ्योरी को सपोर्ट करा, उनका यह भी मानना था कि कहीं ना कहीं से मेंटल कॉजेशन भी होता है क्राइम का, राइट. सो इसी वजह से हमने डिस्टिंग्विश इंडिविजुअलाइजेशन करना शुरू करा इन न्यू क्लासिकल period. Advocates of the school started with the basic assumption that the man acting on reason and intelligence is a self-determining person. ये neoclassical school जो था उन्होंने ये भी माना कि crime करने में intelligence का बहुत ज़्यादा role है. मैं अपने intelligence के according ही crime करूँगी. अगर मैं बहुत ज़्यादा sharp हूँ तो मैं crime करूँगी और उसको conceal, maximum जितना मैं conceal कर सकूँ, छुपा सकूँ, सबूत मिटा सकूँ, वो सारे काम करूँगी. तो इसमें मेरा intelligence work कर रहा है. पर ऐसे लोगों का क्या जिनका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, उनके सोचने समझने की शक्ति सही नहीं है, दे आर मेंटली अनस्टेबल एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर इररिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स. तो उन लोगों को हमें ऑफकोर्स सजा देनी चाहिए, बट लीनियंटली सजा देनी चाहिए. और इस चीज पे नियो क्लासेस ने जरूर अग्री किया या इस चीज पे उन्होंने सहमति जताई कि चाहे वो मेंटली अनस्टेबल पर्सन हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो इडियट हो, उसे हमें नॉर्मल सोसाइटी से थोड़ा अलग रखना चाहिए, उसे फिर बाद में रिहैबिलिटेट करना चाहिए. तो इस चीज पे सारे ही लोगों ने फोकस किया. नाउ नियो क्लासेस रिकमेंडेड लीनियंट ट्रीटमेंट फॉर इररिस्पॉन्सिबल. अब यही से ही ये चीज हमें समझ में आई कि हमें पहले ये चेक करना है कि जो भी पर्सन जिसने क्राइम करा है कि वो ट्रायल के लिए स्टैंड करता है या नहीं करता, मतलब वो कैपेबल है या नहीं है उस ट्रायल में खड़े रहने के लिए, मतलब वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना इररिस्पॉन्सिबल है, क्या वो मेंटली अनस्टेबल है या फिर इनसेन है, या उसकी कैपेसिटी कितनी है टू डू दैट क्राइम एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग उसे कितनी है. नाउ यहाँ पे ही आपको सेनिटी एंड इनसेनिटी का अंदाजा हुआ. अब इसी सब की वजह से परोल, प्रोबेशन, रिफॉर्मेटरीज एंड ओपन एयर जेल कैंपसेस बनाए गए ड्यू टू नियो क्लासिकल थ्योरी. यहाँ पे हमने ये चीजें समझ में आई कि कुछ लोग सेन होते हैं, कुछ लोग इनसेन होते हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ इररिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसी वजह से हमने परोल, प्रोबेशन, रिफॉर्मेटरीज, ओपन एयर कैंपसेस ओपन करे. नाउ इसके अलावा हमें एक चीज और समझ में आई कि एक कोई भी क्राइम होता है वो किसी न किसी कॉज, जो क्राइम होता है वो किसी न किसी कॉज की वजह से ही होता है. दैट ऑल क्राइम्स डू हैव अ कॉज, कोई ना कोई कारण जरूर होता है क्राइम्स में,
ओके सो नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. साइकोपैथी एंड साइकोलॉजी से हमें इसे डिफाइन करने की कोशिश करी, बट एट द एंड हमने क्रिमिनोलॉजी से इसे डिफाइन करा. नाउ क्लासेस अडॉप्टेड सब्जेक्टिव अप्रोच टू क्रिमिनोलॉजी एंड कॉन्सेंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द कंडीशंस अंडर विच इंडिविजुअल कमिट्स क्राइम. हमें ये सर्कमस्टांसेस देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे क्राइम कमिट कर रहा है. सो इस पूरे के पूरे न्यू क्लासिकल थ्योरी में हमें यही समझ में आया कि फ्री विल थ्योरी जो है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, एंड हमें ये डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है कि किस सर्कमस्टांसिस में कोई भी इंडिविजुअल क्राइम कर रहा है, क्यों क्राइम कर रहा है, क्या मेंटल कॉजेशन है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ क्राइम, एंड अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या वो मेंटली स्टेबल है या अनस्टेबल है, सेन है, इनसेन है. ये सारी चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इट इज़ So that's it for today's class, everyone. I hope ये lecture आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा informative और understanding होगा. अगर आपको कोई भी question पूछना है, कोई भी query है, तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं. अगर हेलो एवरी वन, वेलकम टू टुडेज क्लास. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फोर्थ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. फोर्थ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी मतलब पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. हमने इसके पहले प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया है, हमने द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया है, हमने द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया है. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन टुडेज क्लास, पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. सो पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में फिर से जो है चीजें शिफ्ट हो रही थी, है ना. कैसे शिफ्ट हो रही थी. सबसे पहले प्री क्लासिकल स्कूल में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो भी क्राइम कर रहा है पर्सन, वो उसकी गलती नहीं है, कोई ऐसी ईविल पावर है, डेविल है, ऐसा कोई डेविल है जो कि उनसे ये करा रहा है. फिर हमने अपग्रेड किया क्लासिकल स्कूल में, क्या बोला कि नहीं भाई, उनका खुद का मन था क्राइम करने का, फ्री विल थ्योरी आई. फिर न्यू क्लासिकल स्कूल में फ्री विल थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई और ये बताया गया कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंटली पनिशमेंट दी जानी चाहिए. मतलब अगर कोई मेंटली फिट है तो उसको डिफरेंट पनिशमेंट दी जानी चाहिए, अगर कोई मेंटली अनस्टेबल है तो उसे डिफरेंट पनिशमेंट दी जानी चाहिए, कोई इनसेन है उसे डिफरेंट पनिशमेंट दी जानी चाहिए, कोई अगर माइनर है तो उसे डिफरेंट पनिशमेंट दी जानी चाहिए. तो ये सारा कुछ न्यू क्लासिकल स्कूल में हमें बताया गया. इसके बाद क्या आई, पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. अब इसमें चीजें और शिफ्ट हो गई. कैसे शिफ्ट हो गई, इसमें यह बोला गया कि वो सारे इंडिविजुअल जो कि क्राइम करते हैं, है ना, जो भी क्राइम कर रहे हैं, या तो फिर वो एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन की वजह से कर रहे हैं, या फिर उनमें मेंटल कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिसकी वजह से वो क्राइम कर रहे हैं. ठीक है, सो यही पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में एडिड था. पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को हम इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और बनाया पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सारे के सारे इटालियन पीपल थे. इस वजह से इसे इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता था. नाउ बाय द 19th सेंचुरी सर्टेन फ्रेंच डॉक्टर्स वेयर सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग दैट इट वॉज नीदर फ्री विल of the offender nor his innate depravity which accutate him to commit crime, but the real cause of criminality lay in anthropological features of the criminal. Anthropological features मतलब क्या, anthropological features का मतलब उसकी height कैसी है, वो कैसा दिखता है, उसका face किस तरीके का है, मतलब उसके face की बनावट कैसी है, उसका physical build कैसा है, ये सारे के सारे anthropological कुछ ऐसे features हैं जिनकी वजह से वो crime करता है. हम detail में और समझेंगे कि anthropological feature कैसे contribute कर रहा है crime को, but positive school of criminology में यही focus किया गया था कि anthropological features मतलब किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल फीचर्स उसे क्राइम करने के लिए मोटिवेट करते हैं या फिर वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है. नाउ सम फ्रेनोलॉजिस्ट आल्सो ट्राई टू डेमोंस्ट्रेट द ऑर्गेनिक फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन. एक दूसरी चीज और थी जो कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आई कि ब्रेन फंक्शनिंग, किसी का ब्रेन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है. सो ब्रेन फंक्शनिंग के बेसिस पे भी हम ये कह रहे थे पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में कि अगर किसी का ब्रेन किसी सर्टन वे में फंक्शन करता है तो वो क्राइम जरूर करेगा. अगर कुछ उसके एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर्स ऐसे हैं जो क्रिमिनल वाले फीचर है तो वो क्राइम जरूर करेगा. तो ये कहना था पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के मेंबर्स का. नाउ ब्रेन एंड एंथुजियास्टिकली एस्टैब्लिश अ कोरिलेशनशिप बिटवीन क्रिमिनलिटी
एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन. सो हमने क्रिमिनलिटी को ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेट किया, हमने क्रिमिनलिटी को एंथ्रोपोलॉजिकल फिजिकल फीचर से रिलेट किया पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में. नाउ इसकी वजह से ही दिस लेड टू इमर्जेंस ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. अब जो मैंने बोला कि ये जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, इसे हम कहते हैं इटालियन स्कूल भी. क्यों इसे कहते हैं इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी? क्योंकि जो तीन इंपॉर्टेंट बंदे हैं इस स्कूल के, वो सारे के सारे इटालियन हैं. सबसे पहले जो आते हैं वो है सेसर लैम्प्रोसो, फिर आते हैं रफेल गैरफलो, फिर आते हैं एनरिको फेराई. तो ये सारे के सारे इटालियन थे, इन्होंने इंपॉर्टेंट अपने इनपुट्स दिए पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के लिए. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे सेजर लैम्ब्रोसो 1836 से 1909 का टाइम स्पैन रहा है. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ ऑफेंडर्स. इन्होंने सबसे पहले कोशिश करी कि ऑफेंडर्स मतलब जो क्राइम करते हैं उनकी पर्सनैलिटी को समझा जाए. ठीक है, किस टर्म में? इन अ फिजिकल टर्म, उनकी पर्सनालिटी को समझा जाए कि कौन से ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जिनके होने से हम ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस बंदे की अगर नाक लंबी है तो ये क्राइम जरूर करेगा, लाइक दैट. ओके, सो इट वॉज मेड बाय लैम्ब्रोसो ऑफ द इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी हु इज रिगार्डेड एज द ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ. सो सेजर लैम्ब्रोसो वॉज ऑल्सो लाइक also named as originator of modern criminology. Now he was educated in medicine, इन्होंने medicine की knowledge ली थी, and फिर बाद में ये specialist हो गए psychiatry के. इसी वजह से इन्होंने किसी भी criminal के या किसी भी person की crime करो उस person की personality को समझने की कोशिश करी. Okay, he worked in military for some time handling the mentally affiliated soldiers. Mentally afflicted soldier, but later he was associated with University of Turin. So, थोड़े टाइम के लिए वो मिलिट्री में भी थे, जो सोल्जर्स थे उन पे काम कर रहे थे, फिर बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन से एसोसिएट कर गए, फिर वहाँ काम करने लगे. उनकी सबसे पहली बुक पब्लिश हुई थी एल ल्यूमो डेलिक्वेंटे, ये उनकी बुक का नाम है. सो ये याद रखना, एल ल्यूमो डेलिक्वेंटे. ऑफ कोर्स इटालियन थे तो अपनी लैंग्वेज में इन्होंने बुक पब्लिश करी थी, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द क्रिमिनल मैन. द क्रिमिनल मैन, ये सबसे पहली उनकी बुक थी. और वो कब पब्लिश हुई थी? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1876 और 252, मतलब 252 पेजेस की ये पब्लिश्ड मटेरियल था सेजर लैम्ब्रोसो की साइड से. इसके बाद इसका फिफ्थ एडिशन आया 1897 में, तो पेजेस कितने थे? 1903 पेजेस हो गए अपडेट कर करके. Now he was the first person who employed scientific methods in explaining criminal behavior. So ये ऐसे पहले पर्सन थे, ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने अपना साइंटिफिक लाइक साइड एक्सप्लेन करा. साइंटिफिक साइड से इन्होंने बताया कि क्रिमिनल बिहेवियर कैसा हो सकता है, और उन्होंने पूरा का पूरा फोकस क्राइम से क्रिमिनल पे शिफ्ट कर दिया. पर्टिकुलर एक्ट से उस पर्टिकुलर क्रिमिनल पे इन्होंने पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करा. ओके, अब नाउ इन्होंने क्या करा कि बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल जो फीचर्स की ये बात कर रहे थे उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करा. और जो लैम्ब्रोसो थे उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे डार्विन की थ्योरी पे, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन पे हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकली हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं किसी भी पर्सन का क्रिमिनल बिहेवियर. ठीक है, तो उन्होंने तीन कैटेगरीज बनाई. कौन कौन सी कैटेगरी बनाई? सबसे पहली कैटेगरी थी द एटविस्ट, दूसरी कैटेगरी थी इनसेन क्रिमिनल्स की, तीसरी कैटेगरी थी क्रिमिनोलॉइड्स की. सो एटविस्ट को आप द हेरिडिट्री क्रिमिनल बोल सकते हैं. फिर हेरिडिटी क्रिमिनल्स, ठीक है, तो इनका ये कहना था फर्स्ट कैटेगरी जो थी लैम्ब्रोसो ने जो हमें दी थी, उन्होंने ये बोला कि ये हेरिडिट्री क्रिमिनल्स हो गए, मतलब इनकी फैमिली में अगर किसी ने भी क्राइम करा है तो वो हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में वो फैक्टर गया, और उस पर्सन का क्राइम करने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन है कोई, लेट्स से ए, दिस इज अ पर्सन, इसके दादाजी ने मर्डर करा था, बट इसके फादर ने मर्डर नहीं करा था, बट इसकी फैमिली में किसी ने भी अगर मर्डर करा था कि चांसेस हाई होने वाले हैं कि एक क्राइम जरूर कर देगा, जरूर करेगा ही करेगा क्राइम, क्योंकि वो उसकी हेरिडिट्रिक प्रॉपर्टी है.
क्योंकि उसकी फैमिली में किसी ने क्राइम किया हुआ है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी सेजर लेम्ब्रोसो ने हमें नहीं दी। दूसरी क्या थी? इनसेन क्रिमिनल्स, जो कि मेंटली अनस्टेबल है, जो कि मेंटली अनस्टेबल है। सो वो सारे के सारे लोग जो कि मेंटली अनस्टेबल है, वो क्राइम करने की, उनमें क्राइम करने की जो कैपेसिटी है या जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी मेंटली बैलेंस्ड पीपल। नाउ क्रिमिनॉइड्स, क्रिमिनॉइड्स, तो क्रिमिनॉइड्स वो सारे के सारे पर्सन थे जिनमें कोई डिफेक्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल आई फील दैट आई डोंट लुक प्रिटी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा कम है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल क्यों कर्ली नहीं है, है ना। सो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती रहती हूँ कि आई एम नॉट प्रिटी, आई एम नॉट टॉल, आई डोंट हैव कर्ली हेयर्स। सो इस वजह से मेरे अंदर एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से मैं क्राइम करूँगी, ताकि मैं अपने फिजिकल फीचर्स, अपने फेशियल फीचर्स में जो भी कमी है उसको सेटिस्फाई कर सकूँ। ये कहना था इस थर्ड कैटेगरी का, इनका कहना ये था, सेजल एम्ब्रोसो का कहना ये था कि वो सारे लोग जिनमें कोई भी फिजिकल डिफेक्ट है या जिनमें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई कमी है, दूसरों के कंपैरिजन में अगर कोई कमी है, तो वो लोगों की क्राइम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दीज पीपल आर क्रिमिनोइड्स, ठीक है। पहले तो वो हो गए जिनके खानदान में कोई ना कोई क्राइम कर रहा है, वो क्राइम कर सकते हैं। दूसरे जो मेंटली अनस्टेबल है, तीसरे वो जिनमें कोई ना कोई कमी है। तो तभी हम यहाँ पे बात करते हैं बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स की। सो एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर मतलब फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स। बायोलॉजिकल मतलब क्या हो गया? हम जो द एटविस्ट बोल रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, ये क्राइम करने का जो जीन है, ये जो क्राइम करने का कीड़ा है, वो पास ऑन हो रहा है, ठीक है। ये कहना था सेजो लैम्ब्रोसो का, ये पहले बंदे थे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वॉज एनरिको फेरी, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक ही क्लास में सारा हम कवर कर देंगे, तो आप सभी को भी ये इन्फॉर्मेशन सस्टेन करने में प्रॉब्लम होगी। सो लेट्स ब्रेक द लेक्चर ह्योर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द सेकेंड पर्सन, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो कि है एनरिको फेरी। इन्होंने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इनपुट हमारे इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में एड ऑन करी है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट, यू कैन जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल एड्रेस ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। एंड आज की क्लास में हम हमारा पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। सो हमने पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ना शुरू किया है। पॉजिटिव स्कूल इज इन फोर्थ इन नंबर, पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में सबसे पहले आए थे सेजल एम्ब्रोसो। सो सेजल एम्ब्रोसो ने बोला कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो बायोलॉजिकल और एक तो एंथ्रोपोलॉजिकल, मतलब वो पर्सन किस तरीके से बायोलॉजिकली बिल्ड है, मतलब हेरिडिट्री, अगर उस हेरिडिट्रिकली अगर उसके फैमिली में कोई भी क्राइम करता है तो वो भी क्राइम करेगा, और अगर उसके कुछ फिजिकल फीचर्स ऐसे हैं, स्पेसिफिक फिजिकल फीचर जो कि कोई कमी है, या उनमें एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स कोई अच्छी चीज नहीं है, तो दे आर लाइकली टू कमिट सम क्राइम, ठीक है। दूसरे आए एनरिको फेरी, टाइमलाइन था 1856 से 1928, इट इज अबाउट पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। जो दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन थे एनरिको फेरी, सेजल एम्ब्रोसो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं। नाउ एनरिको फेरी, ही वॉज द अनदर चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ओके। एंड दैट इज एनरिको फेरी, ही चैलेंज्ड लैम्ब्रोसो व्यू ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो इन्होंने क्या बोला, लैम्ब्रोसो ने क्या बोला था कि बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल ही ऐसे रीजन है जिसकी वजह से कोई भी क्राइम करता है। अब जो एनरिको फेरी थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, अगर आप बोल रहे हो बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल तो यही दो रीजन सफिशियंट नहीं है किसी भी पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर के लिए। फिर कोई भी पर्सन अगर क्राइम करता है तो सिर्फ बायोलॉजिकल रीजन या एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन ही नहीं है, उन्होंने कुछ चीजें और ऐड करी। उन्होंने क्या बोला, थ्रू हिज रिसर्च फेरी प्रूव दैट दी बायोलॉजिकल रीजन वेर नॉट इनफ टू अकाउंट फॉर क्रिमिनोलिटी। इन्होंने रिसर्च के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन इनफ नहीं है। ऑफकोर्स वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट दीज टू रीजन आर नॉट इनफ टू मोटिवेट समवन टू कमिट सम क्राइम,
ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, ही बिलीव्ड दैट द अदर फैक्टर सच एज इमोशनल रिएक्शन, किसी भी पर्सन का इमोशनल रिएक्शन क्या था, उसका भी पार्टिसिपेशन होता है क्राइम में, सोशल इन्फॉर्मिटी, सोशल इन्फॉर्मिटी का भी पार्टिसिपेशन होता है, या फिर जियोग्राफिकल कंडीशन, उसका भी पार्टिसिपेशन होता है. दीज फैक्टर्स प्ले वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग क्रिमिनल टेंडेंसीज इन अ मैन. तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम क्रिमिनल टेंडेंसीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्सन में. ऑफकोर्स कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है या दुखी है या जेलस है, तो ये जो इमोशनल रिएक्शन है ये भी पार्टिसिपेट, ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऑफकोर्स, इवन आई डू बिलीव, है ना. तो ये कहना था एनरिको फेरी का. इन्होंने लैम्ब्रोसो का जो अप्रोच था बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल का, उसे रिजेक्ट कर दिया और बोला कि सिर्फ यही इनफ नहीं है, प्रूव करा रिसर्च के थ्रू. फिर उन्होंने बोला कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि इमोशनल रिएक्शन, सोशल इन्फॉर्मिटी, जियोग्राफिकल कंडीशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन क्रिमिनल टेंडेंसी ऑफ अ मैन. ऑफकोर्स जियोग्राफिकल कंडीशन कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन स्लम्स पे रहता है या वो देखता है कि भाई चोरी कर, एक दिन चोरी कर लेने से तो हजारों का फायदा हो जाता है, तो ऑफकोर्स उसको चोरी करने का मन करेगा, उसको मेहनत करने का मन क्यों करेगा, अगर वो देख रहा है कि उसके बाजू वाला चोरियां कर रहा है और वो चोरी करके कभी किसी की पॉकेट मार ली, कभी किसी सोने मकान में उसने चोरी कर लिया, है ना, कभी किसी को चाकू दिखा के उससे पैसे छीन लिए, तो एकदम से इंस्टेंट कैश आ गया उसके पास, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना. उसे ये तो पता नहीं है कि पुलिस पकड़ लेगी, उसे ये तो पता नहीं है कि वो जेल भी जा सकता है, उसने अपने सराउंडिंग में देखा, स्लम में देखा, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से डिफिशियंट होते हैं, एजुकेशन उनको नहीं मिली होती है, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल विथ फूड एंड विथ वाटर एंड फॉर शेल्टर, है ना, खाना भी सही से नहीं मिल रहा, पानी भी सही से नहीं मिल रहा, घर भी सही से नहीं है. जब वो ऐसी दूसरों की फैंसी लाइफ स्टाइल देखते हैं तो ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस होते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि वो भी अमीर हो जाए और अमीरों वाली ज़िंदगी जिए. तो जियोग्राफिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिस जगह पे वो पर्सन रह रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो एनरिको फेरी ने ये कुछ पॉइंट्स हमें बताए. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ही समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिमिनल सोशियोलॉजी. और इसी वजह से जो इन्होंने बोला, इमोशनल रिएक्शन भी देखो, सोशल सराउंडिंग भी देखो, जियोग्राफिकल कंडीशन भी देखो, इसी वजह से हम एनरिको फेरी को क्रिमिनल सोशियोलॉजी का भी फादर कहते हैं. नाउ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेरी टू दिस फील्ड इज ऑल्सो लाइक अ लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन. पर जो एनरिको फेरी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था क्रिमिनोलॉजी में, वो उनका लॉ था, लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन. ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, एक बहुत बड़ी चीज एनरिको फेरी ने क्रिमिनोलॉजी को दी है, लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन. ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी फोकस करते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में एनरिको फेरी ने और क्या क्या बोला. Now this theory proposes that the crime is the synthetic product of three main factors. इन्होंने क्या बोला, कोई भी क्राइम किसका प्रोडक्ट है, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर का प्रोडक्ट है. सबसे पहला क्या, फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर, कि कैसे फिजिकल एरिया पे कैसा फिजिकल फैक्टर है, कैसा जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब किस तरीके के लोगों से वो घिरा हुआ है, कैसी जगह पे वो रहता है, वट इज द जियोग्राफी. ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने भी बिलीव करा कि भाई कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन भी इंक्लूडेड है. इसके अलावा इन्होंने एक और बोला, साइकोलॉजिकल एंड सोशल. ठीक है, उसकी साइकोलॉजी कैसी बिल्ड हुई है, बचपन से उसने क्या सीखा है, क्या देखा है, है ना, कैसी सोसाइटी पे वो बिलोंग कर रहा है, क्या वो ये देख रहा है कि डेली डेली उसके जो पिता है या जो उसके फादर है वो फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, उसकी मदर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं, इस तरीके की इंटरेक्शन अगर उसके बचपन से रहे हैं तो ये ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल टेंडेंसीज आ सकती हैं उस बच्चे में, क्योंकि जब बहुत छोटी एज होती है किसी भी इंडिविजुअल की तो दैट एज इज़ रियली वेरी सेंसिटिव एंड उसी एज में वी जस्ट टेक ऑल द इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड अप अ पर्सनैलिटी. सो साइकोलॉजिकल और सोशल चीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर भी क्राइम का प्रोडक्ट, लाइक क्राइम उसका प्रोडक्ट है. अगर साइकोलॉजी सही नहीं है क्राइम कर सकते हैं, सोशियोलॉजिकल जो भी सराउंडिंग है वो सही नहीं है क्राइम कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से क्राइम कर सकते हैं, फिजिकल एंड जियोग्राफिकल. सो एनरिको फेरी का कहना था कि भाई ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट क्राइम हो सकता है.
Now, Enrico Fermi emphasized that the criminal behavior is an outcome of variety of factors having their combined effect on that individual. इनका कहना बिल्कुल सही था. इन्होंने बोला कि भाई कोई एक दो फैक्टर नहीं होता कि कोई पर्सन क्राइम कर ले. बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और इसी वजह से वो पर्सन क्राइम करता है, राइट. और यही चीज़ें, दो चार चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है, कौन कौन से फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नाउ फेरी, एनरिको फेरी एम्फेसाइज दैट अ क्रिमिनल शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंडीशंस विच प्लेड इन हिज और हर लाइफ. जब कभी भी हम किसी भी क्रिमिनल को देखें तो हमें उसे ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि जो क्रिमिनल है ये अपनी कंडीशन की वजह से क्रिमिनल बना है, जो भी उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था या कर रही थी. लाइक कोई भी इंडिविजुअल कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या जो भी कंडीशन, जिस भी कंडीशन में वो रहा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए. नाउ देयरफॉर द बेसिक पर्पस ऑफ क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम्स और प्रोग्राम शुड बी टू रिमूव कंडीशंस विच मेक अ क्राइम. और इनका कहना था कि अगर हम क्राइम प्रिवेंशन करना चाहते हैं, क्राइम होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें उन चीज़ों को फोकस करना है जिनकी वजह से लोग क्राइम कर रहे हैं. उन चीज़ों को हम एलिमिनेट करेंगे, लोग क्राइम नहीं करेंगे. बिल्कुल मानना सही था. इवन आई जस्ट बिलीव एनरिको फेरी सर, ठीक है. इन्होंने बहुत हद तक बहुत सही चीज़ें हमें बताई थी. नाउ इन्होंने फाइव फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया था क्रिमिनोलॉजी के लिए, क्रिमिनल बिहेवियर के लिए, क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है. तो कौन कौन से वो फाइव पॉइंट्स हैं? सबसे पहले तो बॉर्न क्रिमिनल्स. कुछ चीज़ें गलत भी थी, राइट. कुछ चीज़ें इनकी भी गलत थी, जैसे कि बॉर्न क्रिमिनल्स. आई डोंट बिलीव इफ समवन इज बॉर्न क्रिमिनल, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो पहला पहला था बॉर्न क्रिमिनल. इनकी क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट था बॉर्न क्रिमिनल, दूसरा था ओकेशनल क्रिमिनल, तीसरा था पैशनेट क्रिमिनल, चौथा था इनसेन क्रिमिनल, फिफ्थ था हैबिचुअल क्रिमिनल्स. तो सबके नामों से आपको समझ में आ रहा है व्हाट डज दीज वर्ड्स एग्जैक्टली मीन. बॉर्न क्रिमिनल्स जो कि जनजाति क्रिमिनल्स हैं, दूसरे ओकेशनल क्रिमिनल्स कभी कभी क्रिमिनल एक्टिविटी कर देते हैं, कभी कभार क्राइम कर देते हैं. पैशनेट क्रिमिनल, इनका धंधा ही है क्राइम करने का. दे आर वेरी पैशनेट अबाउट क्राइम. उनको जब भी मौका मिलेगा दे विल कमिट क्राइम्स. इनसेन क्रिमिनल्स, वो सारे लोग जो कि मेंटली अनस्टेबल है, दे आर नॉट मेंटली सेन, वो क्राइम करेंगे. हैबिचुअल क्रिमिनल, जिनकी हैबिट ही बन चुकी है, वो अपनी आदत से मजबूर है. तो ये फाइव फोल्ड क्लासिफिकेशन एनरिको फेरी सर ने हमें दी थी. ओके, देन वी हैव द थर्ड पर्सन हु इज, ओके, सेजर लेम्ब्रोसो हमने कर लिया, ओके, एनरिको फेरी हमने कर लिया. देन वी हैव रफेल गैरोफेलो. रफेल गैरोफेलो को हम नेक्स्ट लेशन में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, सो वी आर डन विथ सेजर लेम्ब्रोसो, इनकी थिंकिंग. वी आर डन विथ एनरिको फेरी, इनकी थिंकिंग. वी आर लेफ्ट विथ रफेल गैरोफेलो, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो. आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा. अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमेशा कॉमेंट कर सकते हैं. मैं वो सारे के सारे कॉमेंट्स एड्रेस जरूर करूंगी. इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर बैच, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास. एंड इस क्लास में हम हमारे पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के तीसरे इम्पॉर्टेंट मेंबर की थ्योरी पे डिस्कशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि रफेल गैरोफेलो ने हमें क्या बताया एंड पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया. तो एक क्विकली हम रिकैप देख लेते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का, ठीक है. सो पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी हमारी फोर्थ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है. इसमें तीन इंपॉर्टेंट पर्सन हम पढ़ते हैं. सबसे पहले थे सेजर लेम्ब्रोसो, रफेल गैरोफेलो एंड एनरिको फेरी. हमने एनरिको फेरी की थ्योरीज पढ़ ली, हमने सेजर लेम्ब्रोसो की थ्योरी पढ़ ली. सो सेजर लेम्ब्रोसो ने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि कोई भी पर्सन का जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है, क्रिमिनल एक्ट जो होता है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका बायोलॉजिकल मेकअप एंड उसका एंथ्रोपोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर होता है वो सारा कुछ, ठीक है. एनरिको फेरी ने पांच क्लासिफिकेशन दिए थे. उन्होंने बोला था भाई कि जो कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर है वो कितने तरीके, क्रिमिनल्स कितने तरीके हो सकते हैं, पांच तरीके के हो सकते हैं. एंड क्रिमिनल बिहेवियर इन तीन फैक्टर्स से आता है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस की वजह से, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रीजंस की वजह से. हमने पांच कैटेगरीज बनाई, ओके, हमने पांच कैटेगरीज बनाई है.
बॉर्न क्रिमिनल्स, ओकेशनल क्रिमिनल्स, पैशनेट क्रिमिनल्स, इनसेन क्रिमिनल्स एंड हैबिचुअल क्रिमिनल्स. ठीक है, ये बताया था एनरिको फेरी ने. सेजर लेम्ब्रोसो ने क्या बोला? सेजर लेम्ब्रोसो के लिए बायोलॉजिकल रीजंस और एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस थे फॉर क्रिमिनल बिहेवियर. इन्होंने तीन टाइप ऑफ क्रिमिनल्स की कैटेगरी बनाई थी. सबसे पहले द एटविस्ट, जो कि हेरिडिटरी क्रिमिनल्स थे, उनके खानदान में किसी ने क्राइम करा है. इनसेन क्रिमिनल्स, जो कि मेंटली अनस्टेबल है. एंड क्रिमिनॉइड्स, जिनमें कोई भी डिफिशियंसी या डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो क्राइम करता है. ठीक है, तो ये तो हमने ये दोनों ही कवर कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम रफेल गैरो फेलो पे फोकस करने वाले हैं. रफेल गैरो फेलो, सो ही वॉज दी वन पर्सन ऑफ थ्री मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है उसे हम इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रफेल गैरो फेलो, एनरिको फेरी, सेजर लेम्ब्रोसो, ये सारे के सारे इटालियन थे. ठीक है, नाउ ये कब, इनका जो जन्म है वो 1852 में हुआ. ही वॉज बॉर्न इन नेपल्स इन 1852 एंड देन ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मजिस्ट्रेट. तो ये मजिस्ट्रेट थे इटालियन कोर्ट्स में. हैं, इसके बाद ही वॉज इन द पोजिशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट, इन 1903. ओके, लाइक स्टार्टिंग में वो मजिस्ट्रेट थे एंड देन फिर इटालियन कोर्ट्स में वो मिनिस्टर भी थे, जस्टिस मिनिस्टर भी थे. ठीक है, ही स्ट्रेस्ड दैट द नीड फॉर अ क्लोज स्टडी ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड लिविंग कंडीशन ऑफ क्रिमिनल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जब वो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने बहुत ही क्लोजली इन क्रिमिनल्स को समझा था. जब वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे, काइंड ऑफ जज, तब भी उन्होंने इन क्रिमिनल्स को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करा था. इसी के बेसिस पे इन्होंने बोला कि हमें बहुत ही ज़्यादा क्लोजर स्टडी की ज़रूरत है उस क्रिमिनल के सर्कमस्टांसेस पे और जिस कंडीशन पे वो रह रहा है उस कंडीशन पे. नाउ ही फर्मली बिलीव दैट अ क्रिमिनल इज अ क्रिएचर ऑफ हिज ओन एनवायरमेंट. इनका ये मानना था कि जो क्रिमिनल है वो खुद के ही एनवायरमेंट का क्रिएचर है. ही वॉज द ओनली पॉजिटिविस्ट हु हैड वेरिड एक्सपीरियंस एज एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड सेटेटर एंड अ प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनल लॉ. तो वो क्रिमिनल लॉ के प्रोफेसर भी थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनको था. ही देयरफॉर अप्रोच दैट द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट मैनर देन दोज ऑफ हिज कंट ही अप्रोच्ड डिफरेंट मैनर टू अंडरस्टैंड क्राइम्स एंड क्रिमिनोलॉजी, क्राइम्स एंड क्रिमिनैलिटी, क्राइम्स एंड क्रिमिनल इन अ डिफरेंट परस्पेक्टिव एज कम्पेयर टू देयर कंटेम्प्रेरीज. मतलब उनके ही टाइम के जितने भी और सोशोलॉजिस्ट थे, जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, उनके थिंकिंग से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था. ये ऑलरेडी क्रिमिनल प्रोफेसर थे, ये ऑलरेडी जज रह चुके थे, ये ऑलरेडी मजिस्ट्रेट रह चुके थे. इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा फोकस इन्हीं क्रिमिनल्स एंड क्राइम्स पे था. और इनका कहना ये था कि हमें क्राइम्स और क्रिमिनल्स को एक साथ समझने की ज़रूरत है, सर्कमस्टांसेस को समझने की ज़रूरत है. जिस कंडीशन में वो पर्सन रह रहा है उस कंडीशन को, मतलब जो क्रिमिनल है जिस कंडीशन में जी रहा है उसको समझने की ज़रूरत है. नाउ इन्होंने क्लासिकल थ्योरी को रिजेक्ट करा. ही रिजेक्टेड क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री विल एज अ कॉज ऑफ क्राइम. इन्होंने क्या बोला, गैरो फेलो डिफाइंड क्राइम इज एन एक्ट विच क्राइम इज एन एक्ट विच ऑफेंड्स द सेंटिमेंट्स ऑफ पिटी एंड प्रोबिटी पॉजेस्ड बाई एन एवरेज पर्सन एंड विच आर इंजरियस टू द सोसाइटी. देखो इनका मानना क्या था, गैरो फेलो का कहना था कि पिटी एंड प्रोबिटी ये दो ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल में होती है. इनके ही डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग इंसान में अलग अलग लेवल की पिटी एंड प्रॉपर्टी होती है एंड इसी वजह से ही क्राइम होते हैं, ये सोसाइटी के लिए डेंजरस है. इन्होंने बोला दैट लैक ऑफ पिटी जेनरेट्स क्राइम अगेंस्ट पर्सन. अगर किसी को कम दया आती है तो वो क्या जेनरेट करेगी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन. किसी पर्सन को हम मार सकते हैं, पीट सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, उसे तड़पा सकते हैं, है ना. सो अगर किसी में दया का जो भाव है वो कम है, सो लैक ऑफ पिटी जेनरेट्स क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. नाउ लैक ऑफ प्रॉपर्टी लीड्स टू क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. अब जिसके पास पैसे कम है, जो गरीबी में जी रहा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा, जिसने बहुत दुख देखे हैं, कमियाँ देखी हैं, तो वो क्या कर सकता है, चांसेस ज़्यादा है कि इट लीड्स टू क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. किसी की प्रॉपर्टी पे हक कर सकते हैं, कुछ सामान लूट सकते हैं, पैसे लूट सकते हैं. तो इनका कहना ये था कि जिसके पास पिटी नहीं है वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन करेगा, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी करेगा. ये कहना था रफेल गैरो फेलो का. ओके, ही ऑल्सो क्लासिफाइड क्रिमिनल्स
कितने फोर डिफरेंट टाइप्स के क्रिमिनल्स इन्होंने हमें बताए, एंड ही इवन रिजेक्टेड फेरीज क्लासिफिकेशन. फेरी ने क्या क्लासिफिकेशन दिया था, एनरिको फेरी ने क्या क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने बोला था कि पांच क्लासिफिकेशन है, बॉर्न क्रिमिनल्स, ओकेशनल क्रिमिनल्स, पैशनेट क्रिमिनल्स, इनसेन क्रिमिनल्स एंड हैबिचुअल क्रिमिनल्स. तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने बोला कि मैं देता हूँ क्लासिफिकेशन अच्छी वाली. इन्होंने पहली कैटेगरी बनाई मर्डरर्स की, ठीक है, जो कि मर्डर करते हैं, जिन्हें उन्होंने बोला एंडेमिक क्रिमिनल्स. ये वो सारे क्रिमिनल्स थे जो मर्डर कर रहे थे, दैट इज एंडेमिक क्रिमिनल्स अकॉर्डिंग टू राफेल गैरोफेलो. देन दूसरी कैटेगरी बनाई वॉयलेंट क्रिमिनल्स की, हु आर अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस सच एज प्रेजुडाइसेस ऑफ ऑनर, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. दूसरी कैटेगरी थी वायलेंट क्रिमिनल्स की, जो कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जो कि हो सकता है कि ऑनर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, रिलीजन के लिए क्राइम करें. तीसरी कैटेगरी थी क्रिमिनल्स लैकिंग इन सेंटिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी का सेंटिमेंट नहीं है. देन वी हैव लास्ट टाइप ऑफ कैटेगरी जो कि लस्टफुल क्रिमिनल्स, उन्होंने बोला हु यूज टू कमिट क्राइम अगेंस्ट वेमेन्स और क्राइम अगेंस्ट, आप बोल सकते हो सेक्स और या फिर क्राइम अगेंस्ट सेक्स आप बोल सकते हो. सो ये चार इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन राफेल गैरोफेलो ने हमें दी थी. ओके देन ओके सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. थर्ड पर्सन जो कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के मेंबर थे राफेल गैरोफेलो, उन्होंने चार क्रिमिनल्स का क्लासिफिकेशन हमें दिया और बताया कि सर्कमस्टांसेस और लिविंग कंडीशन प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी वंस लाइफ, और इसी वजह से उसका क्रिमिनल बिहेवियर हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अन अकेडमी की क्रिमिनोलॉजी क्लासेस जिसका नाम है डी कोड क्रिमिनोलॉजी. हम कंप्लीटली क्रिमिनोलॉजी को डी कोड करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं आपका UGC नेट एग्जामिनेशन. सो दिस वॉज द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एवरीवन. सो हमने कौन कौन सा स्कूल पढ़ लिया है, हमने प्री क्लासिकल स्कूल पढ़ लिया है, द क्लासिकल स्कूल पढ़ लिया है, नियो क्लासिकल स्कूल पढ़ लिया है, नाउ वी आर डन विथ पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. आई होप ये सारे के सारे लेक्चर्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और अगर ये हेल्पफुल है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन. आई रियली होप आप लाइक बटन क्लिक करेंगे. जब आप लाइक बटन क्लिक करते हैं मुझे समझ में आता है दैट यू लाइक दिस लेक्चर इज हेल्पफुल इन एनी वे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड